दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के एक नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2022 और 23 के कुछ अपडेट के बारे में। ये अपडेट दो अपडेट हैं जो कि खास अपडेट हैं, आप सभी को जानना बेहद ज़रूरी है अगर आप भी ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं या करने वाले हैं या करेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के लिए आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट करके, या नहीं तो आपको अपने गूगल में टाइप करना है PMS। PMS का मतलब हो गया पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, और उसके बाद टाइप करेंगे ऑनलाइन .bih.nic.in। जैसे टाइप करेंगे ये वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, और यही जो है ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आने के बाद इस वाले सेक्शन पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका एक नया वाला पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ से आप SC ST के स्टूडेंट जो है ऑनलाइन आवेदन करते हैं या यहाँ से कर पाएंगे, यहाँ पे बताया गया, ठीक ना। और यहाँ पे आने के बाद एक होम का ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं आप, मिल जाएगा। तो होम के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहीं पे आपको जो है अपडेट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे दो अपडेट पहले से था, लेकिन अभी जो इसमें दो अपडेट को लाया गया है, ऐड किया गया है। तो दो अपडेट क्या है इसमें ये बताया गया है, अगर बोले तो इसमें तीन अपडेट एक तरह से हो जाता है, लेकिन हम दो ही यहाँ पे आपको बताए गए हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे बताया कि ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है पोस्ट मैट्रिक यानी कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की, जो ऑफिशियल वेबसाइट है 2022-23 के लिए। और यहाँ पे इस वाले सेक्शन में ये भी बताया गया कि इस तरह का आपको बहुत सारे वेबसाइट भी देखने को मिल जाते हैं, यानी संदिग्ध वेबसाइट, जो कि उसमें आपको नहीं जाना है, आपको इसी वेबसाइट पर आना है। इसलिए जो इसमें क्या किया है, एक लिंक को तैयार किया गया, वेबसाइट को तैयार किया गया। यहाँ पर वेबसाइट का नाम दिया गया है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, और जिसका लिंक यहाँ पर रखा गया है PMS। यहाँ पर जैसे जिसको हम हाईलाइट कर रहे हैं, यहाँ पर इसको ध्यान रखना है PMS online.bih.nic, इसी को आपको गूगल में टाइप करना है, ठीक ना। ये 2022-23 के लिए जो है बनाया गया, ठीक ना। और यही जो है ऑफिशियल वेबसाइट का भी पेज यही है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे ये बताया गया कि सोमवार यानी कि मंडे 28/11 यानी 28 नवंबर 2022 के बाद जो है मोबाइल का जो एप्लीकेशन है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, उसको भी एक्टिवेट कर दिया जाएगा। यहाँ पे ये बताया गया, आज हो गया 26 तारीख, 26 के बाद 27, 28 यानी 2 दिन के बाद जो है ये वाला भी यानी कि एप्लीकेशन को भी जो है एक्टिवेट कर दिया जाएगा, वहाँ से भी आप सारा प्रोसेस कर पाएंगे, ठीक। और यहाँ पे ये भी बताया गया लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन के लिए दिया गया, SC स्टूडेंट के लिए अगर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं ऑनलाइन फिलअप कर रहे हैं, उसमें लास्ट डेट दिया गया है 5/12/2022 यानी कि 5 दिसंबर 2022 तक दिया गया है। और BC और ABC के लिए यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप BC EBC के स्टूडेंट हैं तो आपको वेट करना है, आपको इंतजार करना है, आपके लिए भी जो पोर्टल तैयार हो रहा है आने वाले कुछ दिन में जो आपके लिए भी जो है यहाँ पे लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा। यही था आज का दो अपडेट जो कि बहुत ही खास था। आप इसी लिंक के माध्यम से जो है आपको इसी पोर्टल पे आना है, अदर किसी पोर्टल पे नहीं जाना है। अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से यूज़ करना चाहते हैं तो आप जो है 28 नवंबर के बाद से आप यूज़ कर पाएंगे, और ये पोर्टल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, अदर पोर्टल पे आपको नहीं जाना है। तो आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो के लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।